नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी बालों के झड़ने को रोकना चाहते हैं, बालों की समस्याओं से अगर आप परेशान हैं, तो सिर्फ आप बाल धोने से पहले इसे आप एक बार लगा लें, बालों का झड़ना रुक जाएगा केवल एक दिन में इस नुस्खे से। किस तरीके से लगाना है, इस नुस्खे को किस तरह से बनाना है, सारे के सारे डिटेल्स आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको कोई खास सामान की जरूरत नहीं है, ज़्यादातर ये चीज़ें आपके घर में ही पूरे समय रहती हैं और इस रेमेडी को आप तुरंत ही रिजल्ट इसका दिखने लगेगा। मैं गारंटी देता हूँ कि इस रेमेडी को अगर आप उपयोग करोगे तो आपको हफ्ते दिन यानी 7 दिनों के अंदर ही आपके बालों का रुकना कम होगा और पहले दिन से ही इसका फर्क आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए आपको रेमेडी बता हैं। इसके लिए आपको एक प्याज लेना है। प्याज जो होता है वो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है और प्याज जो होता है दोस्तों, वो कोशिश करें कि आप लाल छिलके वाला प्याज लें और हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। प्याज में सल्फर होता है, इसलिए जब हम प्याज को काटते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आते हैं क्योंकि प्याज में भरपूर मात्रा में सल्फर होता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। इसलिए प्याज का रस लगाने से हमारे स्कैल्प में, हमारे सिर में यदि किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वो भी खत्म होता है और डैंड्रफ की समस्याएँ भी खत्म होती हैं। इन्हें अगर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा रूसी की समस्याएं कई सारे लोगों को होती हैं, वो भी खत्म होती है प्याज के रस से। दोस्तों, दूसरा जो है वो नींबू लेना है। नींबू केवल आधा लेना है। नींबू क्या करता है, लेमन जो हमारे स्किन के ऊपर जो डेड स्किन होती है उन्हें निकालता है। जब डेड सेल्स जब निकल जाती हैं तो न्यू हेयर ग्रोथ होती है, नए बाल उगना स्टार्ट होते हैं। तेल में आप ले सकते हैं, यहाँ पर कोकोनट ऑयल ले सकते हैं जो कि सबके पास होता है, ऑलिव ऑयल है और जो सबसे बेस्ट है, ऑलिव ऑयल भी हमारे बालों की जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है, बालों में चमक लाता है, बालों के गिरने को रोकता है। और परंतु नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप प्याज जो लिए हैं उस छिलके को छिल लें और उसके बाद प्याज का जूस आप निकाल लें। जी हाँ दोस्तों, प्याज का जूस आप जैसे ही निकालोगे, आप प्याज का उपयोग करके घने बालों को प्राप्त कर सकते हैं। रूसी और डैंड्रफ जैसे जो हैं वो दूर हो जाएंगे, बालों की लंबाई भी से बढ़ना स्टार्ट होंगी। और दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारे बालों के लिए प्याज का रस कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। बालों की रूसी की समस्याओं से छुटकारा, नए बाल उगना शुरू होते हैं, गंजेपन की समस्या और कई लोगों के बालों में जगह जगह पर इन पे गंजापन आने लगता है और कई प्रकार की समस्याएं, गंजेपन की समस्याओं को दूर करता है प्याज का रस। और इस रेमेडी को आप अपने बच्चों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और ये उपयोग किया हुआ नुस्खा है जो कि कई सारे लोगों ने उपयोग किया है। और शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही अगर आप बालों की केयर करेंगे तो बाल हेल्दी रहेंगे, बाल घने और मजबूत रहेंगे। और अगर बालों की जड़ मजबूत रहेगी तो दोस्तों अपने आप ही बालों का झड़ना कम हो जाएगा और धीरे धीरे बालों का झड़ना कम हो जाएगा। किसी भी घरेलू रेमेडी को वर्क करने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है। दोस्तों, सबसे पहले आप प्याज के रस को लें एक कटोरी में और जब भी आप बाल धोना हो उससे पहले इस रेमेडी को बना लें। आप चाहे तो रात में भी आप अपने बालों में लगा सकते हैं। सबसे पहले आप प्याज के रस को लें और उसमें नींबू का रस कम से कम 4 से 5 बूंद डाल लें और उसमें उसके बाद कोकोनट ऑयल जो कि सभी के घरों में रहता ही है, आप कोकोनट ऑयल को इसमें आप ज़रूर मिला लें। कोकोनट ऑयल का फायदा ये होता है, पुराने समय से ही हमारे जो नानी दादी ये सभी लोग नारियल का इस्तेमाल ही करते आ रहे हैं और आप भरपूर फायदा मिलता है। आप यहाँ इन तीनों के मिश्रण को अच्छे से मिला लें। अच्छे से मिलाने के बाद आप इसे अपने बाल में लगा लें। आप सोने से पहले लगा सकते हैं या जब भी आप बाल धोएं उससे कम से कम 2 घंटे पहले आप इसे लगा लें। इस रेमेडी को लगाने के बाद आप बाल को सूखने दें कम से कम 2 घंटे या फिर रात भर। जैसे ही आप इसे लगाएंगे तो दोस्तों हफ्ते दिन से ही आप लोगों का बालों का झड़ना कम होगा और पहले दिन से ही आपको सुधार दिखाई देगा।